हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा और ये मेरी स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक्स का फोर्थ वीडियो है। और आज मैं इसमें आपको ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर बताऊंगी जिसको लास्ट में यूनिट प्लेस को प्लस करने पर 10 आता है। जैसे 35 का स्क्वायर, इसका जो लास्ट डिजिट है 35, इसको प्लस करने पे क्या आया, 10। ठीक है, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। क्या होता है, जिसको भी लास्ट की यूनिट प्लेस को प्लस करने पे 10 आता है, उनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 5 25। ठीक है, और आगे का जो नंबर है 33, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से एक ज़्यादा कौन सा होगा, 4। तो 4 में हम इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। तो 35 का स्क्वायर का आंसर हो गया 1225। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 18 और 12। ठीक है, इसमें क्या है, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 8 2 16। ठीक है, फिर क्या है, 1 है दोनों तरफ, तो 1 से आगे एक नंबर 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 2, तो इनका आंसर क्या हो गया, 216। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया 55, इसमें भी देखिए दोनों को प्लस किया 10 आया, तो 5 5 25। और 5 में हमने एक आगे 6 और 5 5 6 30, तो 55 का स्क्वायर क्या हो गया, 3025। सो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, ये बहुत ही ईजी है, ये केवल उसके लिए है जिसने यूनिट प्लेस को प्लस करने पे 10 आएगा। ठीक है, और आगे का जो टेंस प्लेस है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक।